जी को लेके जा रहे हैं, घर की पूजा हो गई है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश फेस्टिवल। मैं तैयार हुई, तैयार हो रही हूँ एक्चुअली, मतलब हो गई हूँ, अब कुछ बाकी नहीं है और मुझे भी मार्केट जाना है पूजा का सामान सब लेने के लिए। यू ऑल आर वेलकम टू माई चैनल फैशन एंड फनेरी बाय री। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. मैं फटाक से जाती हूँ और पूजा का सब सामान लेके आती हूँ। और बाहर मैं इसलिए वीडियो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे हाथ में ना सारा पूजा का सामान रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो घर पे आने के बाद ही मैं आप सबको मिलूँगी। दरवाज़ा भी नहीं खुला जा रहा मस्त। घर पे आके फिर मैं आप सबको मिलती हूँ। बहुत धूप है बाहर, हालत खराब हो गई है, इतनी कड़क धूप है। डेढ़ बज रहा है, डेढ़ दोपहर के। खाना बना नहीं है, मम्मी भोग बनाने वाली है। पहले गणेश जी को चढ़ेगा भोग, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो फिलहाल मेरा मन कर रहा है, क्योंकि सुबह से सिर्फ एक कप चाय पे हूँ मैं अभी तक, तो फिर से चाय पीने का मन कर रहा है। और कुछ स्नैक्स मैं खाऊँगी अभी, बहुत भूख लग रही है क्योंकि भोग बनने में, पूजा होने में टाइम लग जाएगा, तब तक भूखा रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दोपहर के 2 बजे हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय और नाश्ता। हाँ बोल रही है मेरे को मत दिखा, मैं ऑर्डिनरी हूँ, सज धज के आएगी फिर दे दी। मैं अभी बाहर गई ना, तो मैं यही मेरा फेवरेट स्नैक्स, मैंने बोला था ना मुझे ये बहुत चाय के साथ पसंद है, और मुझे ये भी बहुत पसंद है। इसको ना महाराष्ट्र का स्पेशल स्नैक्स है, इसको भाकड़वाड़ी बोलते हैं। हाँ भाकड़वाड़ी बोलते हैं इसको। ये है चकली, ये जो है ना ये है चकली और ये है भाकड़वाड़ी। और ये है मेरी चाय और ये हूँ मैं। कल से जब भी फ़ोन आ रहा है, ये गले में ऑलरेडी लटका हुआ है ईयरफोन, लेकिन जब जब फ़ोन आ रहा है तब तब मैं घर में पूरा चक्कर लगा लगा के ढूंढ रही हूँ कि किधर है मेरा ईयरफोन, किधर है, जबकि गले में लटका के रखी हूँ। ये आदत ना मेरे पापा की थी। पापा क्या करते थे, चश्मा ढूंढते थे, सर के ऊपर चश्मा रख देते थे और पूरे घर में ढूंढते थे, और जब मिलता नहीं था तो मम्मी पे चिल्लाते थे चश्मा किधर है मेरा। मम्मी आके बोलती तुम्हारे सर पे है तुम्हारा चश्मा। बेटी को भी वही आदत लगी है। इसको गले में इसलिए ना, मैं काम करती हूँ तो लटका के रख देती हूँ, क्योंकि फ़ोन आता रहता है बार बार फ़ोन आता है। बात करना बहुत ईजी होता है, कान में लगाओ, लगा के बात करते रहो, काम भी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब काम रुकता नहीं है, काम भी करते रहो गप्पे भी मारते रहो। पूरी बनने वाली है भोग में लगने के लिए, पूरी बनेगी शायद, खिचड़ी भी मम्मी बोल रही थी, तो इसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ फ्लावर नीडिंग। पूजा का जितना भी साज सजावट श्रृंगार वगैरह मेरी माँ ने बोला कि तू कर, मैं भोग बनाती हूँ तब तक। चेहरा देखिए मेरा, 2 बार धूप में निकली हूँ मैं, 2 बार मार्केट गई, और ऐसा नहीं कि बहुत दूर गई थी, नज़दीक से सारी चीज़ें मैं लेके आई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे झुलस गया पूरा धूप से। मेरे को सजा दिया सुबह, ठीक है, मेरे कान में भी ये बड़े बड़े पहना दिया था, वो बोली कि छोटा क्यों पहनेगी, बड़ा पहन। अब मेरे को कान दुख रहा था, मैंने निकाल के रखा, और खुद देखो बावर्ची बनी हुई है, थोड़ा सा अच्छे से साड़ी वाड़ी तो पहन सकती है ना, खिचड़ी बना रही है। अभी बाद में सब होगा, बाद में होगा। ऐसा लग रहा है ना बार बार चेहरे पे पानी डालू, ऐसा गरम गरम निकल रहा है, पता नहीं क्या निकल रहा है, एकदम भाप जैसा, बार बार ठंडा पानी चेहरे पे छींटा मारने का मन कर रहा है। দেখে শিখে রাখো, আমার মতো করে যে 5 গ্রাম করে করতে হয়, খিচুড়ি কিরম করে করতে হয়, এমন করবে যে আমার লোকের প্রশংসা করবে যে বাহ কি সুন্দর লাগিয়েছে, যেমন এদের বাড়ি করেছে, এদের বাড়ি কে করেছে, পাশ না হয় ভালো। 4 বাজে मुझे याद आया कि मैंने कल वाला ब्लॉग अभी तक अपलोड ही नहीं किया। 4 बजने अभी 4 मिनट बाकी है, फटाक से जाके अपलोड कर देती हूँ कल वाला ब्लॉग। ये देखो, ये जो खिचड़ी बन रही है ना, एक स्पेशल चावल
कोलकाता में मिलता है, जिसे कहते हैं गोविंद भोग राइस, यानी कि गोविंद यानी गोविंदा, और भोग यानी कि गोविंद कृष्णा को भोग चढ़ाने वाला चावल, जो भी भोग का मेन्यू बनता है ना, चावल वाला जो भी मेन्यू बनता है, तो वो इसी चावल को यूज़ किया जाता है। मैं एक बार चावल दिखा दे, मेरी माँ लेके आई है ये चावल, ये मुंबई में नहीं मिलता है नॉर्मली, कोई भी शॉप में नहीं मिलता है। हाँ, कोई बंगाली अगर शॉप ओपन किया है तो वो कोलकाता से लेके आते हैं, वो लोग अपने शॉप में रखते हैं। ये है ना, एटा ना माँ चावल गोविंद को, ये देखो मेरी माँ लेके आई है, मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये चावल है, और इतनी खूबसूरत, एक इतनी खुशबू है ना इस चावल में, इतनी खुशबू है। किचन में सुबह एक साइड में रखा हुआ था, मैं सोच रही कि इतनी खुशबू कहाँ से महक रही है, पता चला ये चावल की खुशबू है जो पूरे किचन में महक रही है। और खाना भी, मतलब अगर चावल बनाओ, खीर बनाओ, खिचड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ, इतना डिवाइन टेस्ट, और उसकी जो खुशबू है इतना डिवाइन है ना कि क्या बताएं। इसके लिए तो भोग में यूज़ किया जाता है इसी चावल को, भगवान के लिए जब कोई भी भोग बनाओ, कोलकाता पीपल इसी चावल से भोग बनाते हैं। लेकिन ये चावल सिर्फ कोलकाता में ही मिलता है, कहीं और मिलता नहीं है। फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं, अभी बज रहा है 5:20, शाम के 5:20 हो रहा है, 5:20 हो रहा है। अभी हम लोग बैठेंगे भोग खाने के लिए, भोग प्रसाद खाने के लिए। 2 बजे अच्छा है ना कि हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था, वरना 5 बजे तक तो रहना बहुत मुश्किल बात हो जाती। और अभी हम लोग खाना नहीं खाएंगे, इसको खाना नहीं कहते, ये है भोग, खिचड़ी पूरी सब्जी भोग प्रसाद, जो हम ग्रहण करने वाले हैं, भोग ग्रहण करने वाले हैं। ये देखो हल्दी है ना, हल्दी टर्मरिक का पत्ता है, ये मालूम है ना, हल्दी का जो प्लांट होता है, हमारे बालकनी में लगा है हल्दी का प्लांट, उसी का पत्ता है ये। ये तो सिर्फ एक पत्ता है, मैं आपको हल्दी का प्लांट दिखा दिया हमारे बालकनी में, लेकिन कैसे दिखाऊँ, इतने कपड़े मम्मी ने धो के पूरा बालकनी में पूरा पसारा कपड़ों का। ये देखो यहाँ पे सर के ऊपर भी टंगे हुए हैं सारे, बालकनी में भी कपड़े ही कपड़े, हमारे कपड़े, भगवान के कपड़े सारे फैले हुए हैं। ये देखो ये है हल्दी का प्लांट, ये मार्केट से ना मेरी माँ लाके लगाई थी, मार्केट से हल्दी, जो विंटर सीजन में हल्दी मिलती है ना मार्केट में, हल्दी के जो गांठ होते हैं वो लाके लगा दिया था, और इससे पेड़ निकले हैं। ये है, ये यहाँ पे पूरे भगवान की चुनरी, कपड़े वपड़े सारे धो के यहाँ पे रखे हुए हैं, फिर हमारे कपड़े सारे बालकनी में टंगे हुए हैं, चारों तरफ कपड़े। ये हमारा मनी प्लांट, क्या है ना, आज धूप निकली है अच्छे से, कल तक ना कभी क्लाउड, कभी सन, कभी क्लाउड, कभी सन, और बारिश भी हुए जा रही थी, अच्छे से धूप नहीं निकल रही थी। अगर थोड़ी देर के लिए धूप निकल भी रही थी तो फिर से क्लाउडी और फिर से बारिश, तो इसके लिए ना मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा धो रही थी, मैं कपड़े ज़्यादा धो नहीं रही थी, थोड़ा थोड़ा, दो चार। और आज सुबह से ना मस्त धूप निकली है, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो मम्मी ने ना सारे कपड़े एकदम से धो डाले आज सुबह, और चारों तरफ फैला डाले हैं कपड़े एकदम। साड़ी चेंज कर लिया है और ड्रेस पहन लिया, ये मेरा बर्थडे वाला ड्रेस है, लास्ट ट्यूजडे को मेरा बर्थडे था, ये ट्यूजडे को गणेश जी का बर्थडे है, देखा कितना क्या कोइंसिडेंस है, ट्यूजडे। और मैं अभी जा रही हूँ कपूर लाने के लिए, कपूर दिन में नहीं लाई, क्योंकि कपूर मैं इसलिए नहीं लाई क्योंकि नजदीक वाले दुकान में ना बोल रहा था 60 रुपये का छोटा सा पैकेट, जो जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ 40 रुपये में मिलता, तो मैं 20 रुपये का नुकसान क्यों करूँ, 20 रुपये ज़्यादा मैं क्यों दूँ सेम पैकेट के लिए। तो मैंने सोचा अभी तो कपूर चाहिए नहीं, शाम को चाहिए, मैं शाम को जाकर लेके आऊँगी, तो इसके लिए मैं जा रही हूँ। और मम्मी ने बोला साड़ी चेंज कर क्योंकि बारिश आने वाली है, तो कुछ शॉर्ट पहन ले, ड्रेस और जाओ। आप ये हमारे एरिया का गणपति है, बड़ा क्यूट सा बाल गणेश का रूप बनाया है, क्या जोरदार बारिश हुई, एकदम जोर से बारिश हुई, अच्छा हुआ मैंने साड़ी चेंज कर लिया और वन पीस पहन के गई,
नहीं तो साड़ी थोड़ी खराब हो जाती। और जैकेट भी साथ में लेके गई थी, उसके लिए भीगी नहीं, है ना। सामान मेरे को ना ठंडे पानी का शावर लेना है अभी, मैं बहुत बहुत गर्मी हो रही है आज तो, कुछ ज्यादा हद से ज्यादा गर्मी हो रही है। मैं अभी जाऊंगी शावर लेने। The next day. कल ना मैं रात को बहुत थक गई थी और ठंडे पानी का शावर लेके आई और आके मैं 1 घंटे के लिए सो गई। 8:30 से 9:30 तक सोई, फिर मम्मी ने मुझे उठाया कि उठ के कुछ खा ले, खा के सो जा। और अब बज रहा है 12:30 बजने जा रहा है, मैंने एक्सरसाइज ख़त्म किया, अभी जाऊंगी नहाने। माँ मेरे किचन में है, लंच प्रिपेयर कर रही है। और ये ब्लॉग अब मैं यहाँ पर एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना मत भूलना, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, ओके लाइक कर देना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाक से सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना, बेल आइकॉन को हिट कर देना, और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं आप सबको, ओके बाय बाय।